हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक मूवी की ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो, और इस मूवी का नेम है जीना तेरी गली में। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना। सही बात। ओ तुम लोगों ने ठान ही ली है बिजलियां गिराने की, तो अब मेरे भी सिद्ध है उसी जगह आशिया बनाने की। क्या बात है, स्ट्रॉन्ग डायलॉग है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। रोड पर इनके कसरत करिया से क्यों पहलवान ना हो जाना है। सही बात है। राजेश्वर सिंह का फैसला बदले खातिर भी संभर के माई के दोना शेरनी का दोपी के पैदा होके के पड़े। क्या बात है, कीचड़ साफ ना कर ले तो पहले तो पसीना छोड़ाए, बाद में तो पेशाब निकली। बड़े स्ट्रॉन्ग डायलॉग है भाई। पेट की आग बुझावला से पहले चूल्हा की आग बुझा दी थी। अपन भाई के मौत के एक एक हिस्सा चुकाए राजा राजेश्वर सिंह, बहिन सिंह थप्पड़िया गोली, दहेज में हर चीज कबूल कर। क्या बात है, क्या बात है। काफी ज्यादा एक तरह से आप कह रहे हैं इसमें सॉन्ग हैं, जो कि जब आप मूवी को देखेंगे तो आप भरपूर एंजॉय कर सकेंगे। वाह क्या बात है। दूध मंगवा खीर दे, बहन मंगवा तो चीर दे। राजेश्वर सिंह, बहन के मंडप के तैयारी करो, अपन बेटा के दूल्हा बना के भेजना। आजा, आजा,
क्या बात है, बेहतरीन ऑसम टाइटल सॉन्ग, वाह ऑसम स्प्लेंडेड सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये भोजपुरी लैंग्वेज मूवी और एक्शन ड्रामा और रोमांस से भरपूर है। नाम से काफ़ी हद तक वाजे हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको रोमांस मिलेगा, एक तरह से रोमांटिक मूवी भी कह सकते हैं आप इसे, लेकिन एक्शन से भरपूर है। और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2013 में। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके ट्रेलर के ऊपर एक्शन वीडियो बनाऊँ, जो कि अब मैंने बना दी है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया और म्यूज़िक दिया है राजकुमार आर पांडे ने, यानी ये काफ़ी सारे काम एक साथ कर लिए, मल्टी टैलेंटेड शख्स लग रहे हैं, तो वाह क्या बात है। और इस मूवी को लिखा है संतोष मिश्रा ने। और इस मूवी की जो कास्ट में शामिल है वो है प्रदीप पांडे यानी ये चिंटू, रिंकू कोश, अवधेश मिश्रा, प्रियंका पंडित, अंजना सिंह, संजय पांडे वगैरह वगैरह इसकी कास्ट में शामिल है। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव था, फुल ऑन एक्शन से भरपूर और रोमांस से भरपूर था, बेतहाशा इसके अंदर सॉन्ग्स हैं, जो कि पूरे ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स देखे, जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ और मैं भरपूर इनको एंजॉय कर रहा था। एक तरह से बेतहाशा सॉन्ग्स हैं, जो कि मतलब जिन लोगों को इस तरह की मूवीज़ पसंद है कि बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हो, एक्शन भी कमाल का हो, तो उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मूवी और देखने लायक है। और जिन्होंने नहीं देखी तो मेरा मानना ये कि उन्हें देखें और बार बार भी देखें, बाकायदा आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ देखने लायक है जो कि आपकी तवज्जो का मरकज बना रहेगा और आप इसे भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। जानदार शानदार किस्म की एक्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के उमदा और आला तरीन किस्म के फाइटिंग सीन हैं, स्टंट हैं, और जो कि एक्शन बहुत मतलब बाकायदा बहुत बाखूबी बेहतरीन तरीके से किया गया, जो कि साफ वाजे हो रहा था। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस ट्रेलर को देखते हुए और मैं भरपूर इंजॉय कर रहा था। ट्रेलर की एक एक चीज़ को मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रहा था और एक तरह से कह लें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं इन्जॉय कर रहा था। सोचिए अब जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो मूवी कितनी ज़बरदस्त किस्म की होगी। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम किया है प्रदीप पांडे ने, जो कि साफ वाजी हो रहा है करेक्टर में घुस के काम किया। और डायलॉग इस मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टाइप थे और बहुत मज़ा आ रहा था, दमदार, ये कहते हैं ना जानदार किस्म के टक्कर के बिल्कुल मुकाबले के। और विलन का जो रोल था बाकी बेहतरीन तरीके से निभाया। उसके अलावा जो जैसा कि भोजपुरी मूवीज़ के अंदर विलन का करेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हीरो हीरोइन के बाद जो तीसरा रोल मेन आता है वो विलन का होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है विलन से ही टक्कर होती है हीरो की, या आप कह लें हीरो का ज़्यादा जर जो सीन होते हैं विलन के साथ होते हैं या हीरोइन के साथ होते हैं, तो तभी ये तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और तीनों ने मतलब इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया और सबका तालमेल मिक्सअप केमिस्ट्री बेहतरीन किस्म की लग रही। मैंने तो ट्रेलर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रेलर को देख के। एक तरह से काफ़ी यूनिकनेस थी और बहुत मतलब मैं इन्जॉय कर रहा था कि चीज़ को, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किए गए, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, चीज़ मतलब एक तरह से कह लें भरपूर ऐसी मूवी है जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते देखने के बाद कि हमने देखी मज़ा नहीं आया, बेकार थी, इसमें ये नहीं था वो नहीं था, इस तरह का कुछ भी नहीं। जब आप इसे देखेंगे तो भरपूर एंजॉय कर सकेंगे। आप ट्रेलर ही देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है, तो मूवी का क्या हाल होगा, और बहुत मज़ा आएगा, आप इसे इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जो है इतना सब कुछ है जो कि आप पूरी मतलब आपकी वो तवज्जो हासिल कर सकेगा, जो कि आप देखना चाहते हैं वो सब इसके अंदर है, मज़ा आया इसको देख के, ऑसम स्प्लेंडेड सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।